चुनौतियों से जूझ रहे अडानी समूह को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच से अच्छी खबर मिली है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। उधर विपक्ष भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लिहाजा विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। इस बीच अडानी समूह को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच से अच्छी खबर मिली। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच से अडानी समूह के लिए राहत की खबर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि फिंच के अनुसार समूह की संपत्तियों की रेटिंग रिपोर्ट के बाद फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रेटिंग एजेंसी ने साफ किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह के क्रेडिट प्रोफाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको बता दें, क्रेडिट प्रोफाइल यानी कर्ज लेने की ताकत। आपको बता दें, अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह ने अपने एफपीओ को वापस ले लिया था। उसके बाद समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट दिखी थी। फिंच ने कहा है कि हम लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालिया घटनाक्रम का ग्रुप के कैश फ्लो पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। हम समूह की वित्तीय स्थिति और अन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। फिंच को उम्मीद है कि अडानी समूह के नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान में कोई बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी शुक्रवार को कहा कि वह अडानी समूह की लिक्विडिटी पोजीशन और वित्तीय उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए हैं। मूडीज ने कहा कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में जारी गिरावट पर नजर रख रही है। मूडीज के अनुसार हालिया घटनाक्रम समूह पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं और इससे आने वाले एक दो वर्षों में समूह की कर्ज लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी कुछ आया उसके बाद हाहाकार मच गया। गौतम अडानी किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। भारतीय उद्योग जगत में उनकी गिनती विशेष उद्योगपतियों में होती है। अडानी भारत और दुनिया के मशहूर व्यवसायियों में से एक है, लेकिन बीते कुछ दिनों में गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को लेकर बड़े खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह के शेयर ओवर प्राइज्ड हैं। उन्होंने अडानी समूह के खातों में गड़बड़ी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। इस खुलासे के बाद अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली हावी है। अडानी समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं। मार्केट कैप में लगातार गिरावट देखने को मिली। एक रिपोर्ट ने अडानी के मार्केट कैप में 5.5 लाख करोड़ से अधिक के नुकसान पहुंचाने की बात सामने रखी। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स में बड़ी गिरावट आई है, जिसके बाद 25 जनवरी को अडानी समूह के सीएफओ ने आरोपों का खंडन किया। अडानी समूह के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने एक वीडियो संबोधन में आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनिंदा गलत और निराधार सूचनाओं के साथ तैयार की गई है। 26 जनवरी को अडानी समूह हिंडनबर्ग ने एक दूसरे को घेरा। अडानी समूह ने कहा कि वो अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर करने की बात सोच रही है। वहीं अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। 27 जनवरी को अडानी समूह के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। समूह के शेयरों को बिकवाली की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से खरबपति गौतम अडानी को नुकसान हुआ। वो दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से पहले बाहर हुए। अब तो खैर स्थिति काफी गिर गई है, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। उनकी संपत्ति $98.1 बिलियन रह गई। 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब दिया। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत, इसकी संस्थाओं, देश के विकास की गाथा और इसकी महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला करार दिया। कंपनी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट न तो स्वतंत्र है, वस्तुनिष्ठ है और न ही गहरे शोध के बाद तैयार की गई है। सभी आरोप झूठ के सिवा कुछ नहीं है। 413 पन्नों के जवाब में अडानी समूह ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सवालों के जवाब भी दिए। 30 जनवरी को अडानी की संपत्ति $88.2 बिलियन रह गई। अडानी समूह को एक और तगड़ा झटका और शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। गौतम अडानी की संपत्ति $8.5 बिलियन की कमी के साथ $88.2 बिलियन तक पहुंच गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति $120 अरब थी। इस आधार पर अडानी की संपत्ति $45 अरब घट चुकी है। 31 जनवरी को एफपीओ का पूर्ण अभिदान मिला। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के अनुवर्ती सार्वजनिक निगम यानी एफपीओ जिसको कहते हैं को पूर्ण अभिदान फुल सब्सक्राइब मिल गया। 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को मंगलवार को बिक्री के आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों का समर्थन मिला। 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग रही। 1 फरवरी को AEL ने एफपीओ को रद्द कर दिया। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को रद्द कर दिया।
कंपनी ने बयान में कहा कि कंपनी अपने एफपीओ के हिस्से के रूप में प्राप्त आय को वापस कर देगी, जिसे मंगलवार को कॉरपोरेट्स और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन दिया गया था। 2 फरवरी को गौतम अदाणी का वीडियो आया। गौतम अदाणी ने वीडियो संदेश में कहा कि पूरी तरह से सब्सक्राइब एफपीओ के बाद कल इसे वापस लेने के फैसले ने कई लोगों को चौंकाया, लेकिन कल देखे गए बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने दृढ़ता से महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। 3 फरवरी को शीर्ष 20 अमीरों की सूची से अदाणी बाहर हो गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अदाणी की नेटवर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 3rd नंबर पर काबिज थे, अब वो टॉप 20 में भी नहीं है। सितंबर में अदाणी की नेटवर्थ 155.7 अरब डॉलर थी। सोमवार को नेटवर्थ 92.7 अरब डॉलर रही। दिसंबर तक दुनिया के शीर्ष अमीरों में केवल अदाणी ऐसे अमीर थे जिनकी संपत्ति में पिछले साल उछाल आया था। अदाणी अब दुनिया के अमीरों में 20वें नंबर पर खिसक गए। विपक्ष ने इस पर जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष पीएम मोदी से जुड़े अदाणी मुद्दे पर जांच संसदीय पैनल यानी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है, क्योंकि इस मामले में करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है। लेकिन सरकार कह रही है कि सांसद जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इस महाघोटाले से पिछले कुछ दिनों में लोगों के करोड़ों रुपए डूबे, उसका क्या? तो आइए अब हम आपको बताते हैं विपक्ष की मांग क्या है। विपक्षी दलों के सांसद संसद में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और इसमें अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों पर चर्चा, इसकी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने और एलआईसी स्टेट बैंक में जमा लोगों के पैसे की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर वित्त मंत्री की ओर से जवाब की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए कहा था कि अदाणी को जेपीसी के सामने पेश किया जाए। इससे पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया गया था। पीएम मोदी ने भी एक मीटिंग की थी। पीएम मोदी ने भी गुरुवार को अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। पीएम की इस बैठक में संसद में सत्ता पक्ष की रणनीति पर मंथन किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।